कृषि कानून की मुखालफत में राहुल गांधी ने सदर जमहूरिया को सौंपा मेमोरेंडम, कहा मुल्क में जमहूरियत नहीं विजय चौक से प्रेसिडेंट हाउस तक अराकीन पार्लियामेंट का पैदल मार्च। प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेस लीडरान हिरासत में लेने के बाद छोड़े गए, इजाजत नहीं मिलने पर धरने पर बैठे थे कांग्रेसी। राहुल गांधी ने सदर जमहूरिया को सौंपा मेमोरेंडम, कहा मुल्क में जमहूरियत नहीं। सदर जमहूरिया को दिए कांग्रेस के 2 करोड़ दस्तखती दावे पर वजीर ज़राअत ने उठाए सवाल, कहा किसानों ने राहुल से नहीं मिलने का किया दावा, प्रकाश जावड़ेकर ने दिया खुली बहस का चैलेंज। किसानों से सरकार की अपील, बातचीत के लिए आगे की तारीख बताएं। बागपत के किसानों ने वजीर ज़राअत नरेंद्र तोमर को दी हिमायती खत, आंदोलनकारी किसानों ने कहा सिर्फ MSP पर विवाद नहीं। कल साबिक PM अटल बिहारी वाजपेयी की यौमे पैदाइश पर किसानों से बात करेंगे PM मोदी, 6 रियासतों के किसानों से बात के दौरान मौजूद रहेंगे कई मरकजी वज़रा। 28 दिसंबर को दिल्ली को मिलेगा तोहफा, बिना ड्राइवर की मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे PM मोदी, जनकपुरी वेस्ट से नोएडा के बॉटनिकल गार्डन के बीच चलेगी। विश्व भारती के 7 साला तकरीब में बोले PM मोदी, गुरुदेव का विजन खुद मुख्तार हिंदुस्तान, आज़ादी की तहरीक में यूनिवर्सिटी ने अदा किया अहम किरदार। लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात लड़ेगी कांग्रेस, अधीर रंजन चौधरी ने कहा ममता सरकार के खिलाफ लड़ाई। कोरोना वैक्सीन को लेकर मुंबई की रजा एकेडमी पर का बड़ा बयान, चीन पर लगाया वैक्सीन में खिंजीर का अशिया मिलाने का इल्जाम, हुकूमत से चीन की मदद नहीं लेने की अपील। तेजस्वी ने फिर किया बिहार में मिड टर्म इलेक्शन का दावा, सियासी पार्टियों को दी इंतखाबात के लिए तैयार रहने की सलाह। बिहार में NDA सरकार का 1 महीने बाद भी अब तक काबीना तौसी नहीं हुई, ज्यादा वक्त गुजरने पर अपोजिशन का तंज, ताखिर को BJP और JDU में टकराव बताया। नीतीश काबीना तौसी पर श्रवण कुमार ने कहा कि सही वक्त पर होगी तौसी, CM नीतीश कुमार और NDA के क्यादत तय करेंगे, सवाल पूछा कि अपोजिशन को इतनी जल्दी क्यों। बारामूला के वनीगाम में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम, वनीगाम के पाइन गांव में तसादुम, हिफाजती दस्तों ने 2 मिलिटेंटों को किया हलाक। दिल्ली में बढ़ती आलूगी पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक्शन, हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर 2 2 जनवरी तक किए गए बंद, पानी का छिड़काव बढ़ाने के भी अहकाम। कोरोना वैक्सीन देने के लिए दिल्ली सरकार की तैयारी पूरी, CM अरविंद केजरीवाल ने कहा शुरुआती मुहिम के तहत 51 लाख लोगों को लगेगी वैक्सीन। नए कोरोना स्ट्रेन की खबर के बीच मुल्क में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में 24,712 नए मामले आए सामने, 312 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे का बयान, कहा नए स्ट्रेन को लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं और जो वैक्सीन आने वाली है वो नए वायरस पर भी असर करेगी। कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से ब्रिटेन के लिए वंदे भारत मिशन पर भी लग सकती है रोक, यूरोप साउथ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के मुसाफिरों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की। मुल्क भर में क्रिसमस की तैयारी, दिल्ली मुंबई के अलावा दक्कन रियासत के बाजारों में बड़ी रौनक, पुडुचेरी में बनाया गया 394 किलो का केक। पाकिस्तान के गवादर पोर्ट पर चीन की साजिश का बड़ा इंकशाफ, जराए के मुताबिक पोर्ट पर मिलिट्री बेस बना रहा है चीन, 30 किलोमीटर लंबी फेंसिंग की तैयारी। पाकिस्तान को चीन से करारा झटका, कर्ज देने से पहले मांगी एडिशनल गारंटी, रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान ने मांगी $6 अरब। कोरोना वायरस की नई किस्म ने इसराइल में भी दी दस्तक, 4 अफराद पाए गए मुतासर, 3 मुतासरीन हाल ही में बरतानिया से लौटे हैं वापस। रूस में फिर छाया कोरोना का खौफ, गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 27,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, राजधानी मॉस्को में 5,500 से ऊपर आए कोरोना के नए मामले। क्रिसमस के मौके पर ऑस्ट्रेलिया में पाबंदियों में दी गई नरमी, सिडनी में दी गई पाबंदियों में राहत, कोरोना के नए मामलों में कमी आने के बाद हुकूमत ने किया नरमी का फैसला। और क्रिसमस के जश्न के बीच फ्रांस के लोगों की नई पहल, तकरीब से पहले कोरोना की कराई जा रही है जांच, पार्टी से कबल घर के सभी अफराद करवा रहे हैं कोरोना टेस्ट।